हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KDP डिजिटल क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रोनाउंस। आज हम प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं ऐसे वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं। यानी डेफिनेशन क्या होगी? प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। यानी नाउन के प्लेस पे जो यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्रोनाउंस? जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी, ये सारे क्या है? प्रोनाउंस है। तो हम इसको नाउन के प्लेस पे कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे आज इसमें। जैसे आपको पता है नाउन क्या होता है? इन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये क्या है? उनके प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे संजय डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। तो यहाँ बात हो रही है संजय की, तो हम क्या है, ही की जगह किसके लिए है? ही संजय के लिए है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? संजय लिख सकते हैं। बट क्या है, अच्छे तरीके से नहीं बन रहा है। संजय है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अगर संजय लिखते हैं तो वो नहीं यूज़ होगा। संजय क्या है? नाउन है। उसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है? ही यूज़ करना है। तो ही क्या हुआ? ऐसे वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं। संजय हमारा यहाँ नाउन है, तो ही क्या बनेगा? प्रोनाउन होगा। यानी किसके लिए आया? ही संजय के लिए आया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, प्रीति इज ए गुड डांसर, सी लव्स डांसिंग। तो प्रीति क्या है? नाउन है, क्योंकि पर्सन का नेम है। तो इस ये क्या हुआ? नाउन। और इसके प्लेस पे हमने किसका यूज़ किया? सी का यूज़ किया। तो सी क्या हुआ? प्रीति के लिए आया, तो ये क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। थर्ड है, बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स क्या है? थिंक है। तो ये क्या है? नाउन हुआ। और ये मतलब इसकी जगह बुक्स के लिए यहाँ क्या आया है? दैम आया है। तो इसको क्या यूज़ करेंगे? ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। इसी तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज है वो किस तरीके से होगी? जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, उषा इज इल, सी कैन नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ क्या है, आपको एक्सरसाइज में, बुक एक्सरसाइज में क्या पूछा है? शी दिया हुआ है ओनली। तो यहाँ से आपको ये बताना है ये शी किसके लिए आया है। तो जैसे आंसर में आप लिखोगे उषा। तो इसी तरीके से सेकंड देखते हैं, आई डोंट नो मिस्टर रमन, डू यू नो हिम। तो यहाँ क्या है, इसमें पूछा है हिम, हिम किसके लिए है। तो आपको क्या है, सेंटेंस में रीड करना है और ये बताना है कि जो वर्ड दिया हुआ है या जो मतलब एक्सरसाइज में सामने दिया हुआ है वो किसके लिए है, आप उसको रीड करोगे। यानी नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे हिम के लिए है, किसके लिए है? मिस्टर रमन के लिए है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। आपको कैसे पता चलेगा किसको कैसे कन्वर्ट करना है? तो जैसे आई है तो इसका बनेगा मी, वी है तो इसका बनेगा अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का भी इट रहता है, दे का देम। तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस को चेंज करोगे। यानी प्रोनाउन क्या है? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं। तो आपको क्या देखना है, नाउन जो आपका नाउन है उसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है। नाउन क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम। तो अब उनकी जगह आप कैसे, अगर मतलब मेल है तो आप क्या यूज़ करोगे और फीमेल है तो क्या यूज़ करोगे, नॉन लिविंग थिंग है तो आप क्या यूज़ करोगे, इस तरीके से आपको करना है। बाकी आप अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में।